Hey guys, hi everyone. This is Abhishek, Master Teacher of Physics at Vedantu. कैसे चले मेरे बच्चों की जिंदगी? What's up people? What's up? Welcome to the session. Hi. कैसे सब लोग? सब बढ़िया? Before I go forward and start the session और सबको hi बोलना मैं start करूँ, उससे पहले बहुत ही important सी एक चीज जो है ये है. तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारे सुपर इंपॉर्टेंट कोट से, उसके बाद फिर मैं आपको हाय बाय बोलूंगा. ये बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे लिए और आपके लिए भी है कि नहीं. तो द कोट फॉर टुडे इज द पेसिमिस्ट सीज डिफिकल्टी इन द अपॉर्चुनिटी. द पेसिमिस्ट सीज डिफिकल्टी इन एवरी अपॉर्चुनिटी, द ऑप्टिमिस्ट सीज द अपॉर्चुनिटी इन एवरी डिफिकल्टी. That is what we need to become. That is a person who is optimistic, not a person who is pessimistic. एक आधे ग्लास को देखकर अगर कोई कहता है कि यार ये ग्लास तो आधा ही भरा है, तो वो बंदा कहलाता है pessimist, क्योंकि वो ये देखता है कि भाई जो ग्लास है वो आधा खाली है. लेकिन जो optimist बंदा होता है वो ये देखता है कि भाई ग्लास आधा भरा तो है, the 50% positive side of it. तो वो बनना है हमें. Because being hopeful and being optimistic in life gives a person the amount of strength to strive forward. तो अभी आपको decide करना है कि आपको pessimist बनना है कि optimist. तो कौन क्या बनने वाला है बच्चों? Pessimist बनने वाले, optimist बनने वाले, क्या बनने वाले जल्दी बताओ. Hi people, hi Gopal ji, Jayanandan ji, Ankita ji, thank you so much and welcome to the session people. Yes, yes, Ishu, Sanvi, how are you? I'm doing good. कैसे सब लोग? सब बढ़िया बच्चों? Yes, 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 Ritu ji, Asmi ji, PL ji, Urvi ji, क्या बात है Parvi ji, hi, hi, Shubham, hi. Hi Vikas, hi Naman, hi Divya, hi everyone. Optimist बनने वाले हो ना, ये हुई ना बात, जो बस optimistic बनते रहना है और मचाते रहना है, ठीक है? अब उसके अलावा, let's start the session with the बल्ले बल्ले, let's start the session with the बल्ले बल्ले people. आज हमारा topic है ray diagrams of concave lens. आपने देख लिया होगा ray diagrams of concave lens. Convex lens का ray diagram हमने कर लिया था, मतलब आराम से 40 और उसको याद करने के बहुत सारे तरीके मैंने आपको बता दिए थे ICSE 10 के लिए, relevant for CBSE 10th also. तो वही सेम सेशन आज दोबारा होने वाला है फॉर कॉनकेव लेंस. और कॉनकेव लेंस बहुत ही ज्यादा इजी, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस में 6 रे डायग्राम्स थे, कॉनकेव लेंस में सिर्फ 2. और बहुत ज्यादा मजा आने वाला है व्हेन यू गोना ट्राई इट आउट, ठीक है? तो रेडी 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 सब लोग, एक बार बल्ले बल्ले बोलते हम स्टार्ट कर देंगे. सीबीसी वाले भी देख सकते हैं, ऑफकोर्स देख सकते हैं. पूजा जी, ऑफकोर्स देख सकते हैं. क्वेश्चन की क्या बात है यार, बढ़िया एकदम. हाई एवरी वन, हाई सुप्रिया, हाई मनोज, हाई विधि, हाई मार्क, व्हाट्सअप सानिया, हाई हाई प्राची, आयुष, अल्फ्रेड. Hi everyone, what's up? बल्ले 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 बल्ले. तो let's go forward and start the session now. ये जो session है वो काफी छोटा होने वाला है, क्योंकि concave lens इतना ज्यादा easy है और हम कोशिश भी करेंगे कि भाई हम इसको simulation के through prove भी कर ले और बहुत मजा आने वाला है. Convex lens जितने भी याद कर लिया है बहुत बढ़िया, concave lens इससे भी ज्यादा easy होने वाली है. चलो start करते हैं आज का session, ठीक है? उसके अलावा do you guys want to be on the hot seat of कौन बनेगा करोड़पति? Then stay tuned people for a very big announcement on the 5th of October to achieve your dreams. Just stay tuned for the 5th of October for the big announcement. ठीक है, होने वाला है, याद रखना. Moving on forward, तो भाई हमने बहुत सारे टॉपिक में से आज का टॉपिक है ray diagrams of a concave lens, वो करने वाले हैं. अब इसके अलावा आप thank you so much for letting us cross, you know, helping us cross 1 million subscribers. You guys are those 1 million subscribers. Thank you so much for being the part of the family. और family को बढ़ाते जाते हैं और बड़ा बनाते जाते. और उसके अलावा पिछले सेशन में एक बहुत सिंपल सी होमवर्क थी, इसका सलूशन था सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. देखते हैं सबसे पहले किन बच्चों ने कमेंट्स में हमें जवाब दिया. सबसे पहले आंसर देने वाले थे हमारे राघव जी. राघव जी थैंक यू सो मच, वेरी गुड. श्वेता जी को भी सही आंसर आया, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, फैंटास्टिक श्वेता. हमारी राधी जी को भी सही आंसर, बिल्कुल बहुत बढ़िया बेटा. एंड देन शानवी जी, हमारी शानवी जी ऑल्सो गॉट इट राइट, शरण्य जी ऑल्सो गॉट इट राइट, विधि ऑल्सो गॉट इट राइट. ऑल ऑफ देम आर हियर, आई कैन वेरी क्लियरली सी दैट. सो कांग्रेचुलेशंस पीपल, वेल डन, यू आर अमेजिंग एज ऑलवेज. लेट्स गो अहेड एंड कंटिन्यू टू द कॉन्सेप्ट ऑफ रे डायग्राम्स ऑफ अ कॉनकेव लेंस. तो इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगने वाला है, सिर्फ 2 रे डायग्राम है. और जैसे मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था, इन 2 रे डायग्राम में से सिर्फ आपको रखना पड़ेगा याद एक, क्योंकि दूसरा आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक है? तो अभी हम प्रूव करके दिखाएंगे आपको. जैसे 6 रे डायग्राम फॉर कॉन्वेक्स लेंस में आपको सिर्फ 2 या 3 याद रखने थे, जितना मैंने बताया था आपको, उसके अलावा नहीं रखने थे याद. तो वैसे आज के 2 रे डायग्राम में सिर्फ आपको 1 याद रखना है, ठीक है? तो अभी ध्यान से देखो और मचाते हैं. मैं जल्दी से एक चीज बहुत जल्दी से रिवाइज करवाना चाहूंगा कि हम ये रे डायग्राम्स कर क्यों रहे हैं, ठीक है? क्योंकि इन रे डायग्राम्स के बिना हम इनके एप्लीकेशन, जो लेंसेज के एप्लीकेशन है, उनमें पहुंच नहीं सकते. कॉन्वेक्स लेंस जो यूज होती है टेलीस्कोप में, माइक्रोस्कोप में, स्पेक्टिकल्स में, ये जहां पे जहां कॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल होती है, इन जगहों पे इनका इस्तेमाल होने के लिए, फॉर द एप्लीकेशंस ऑफ दीज लेंसेज, ये बहुत जरूरी है जानना कि भाई ऑब्जेक्ट यहां पे हो तो लेंस इमेज कहां पे बनाएगी, तभी तो हम ये स्पेक्टिकल्स बना सकते हैं ना.
एज सिंपल एज दैट, एक कैमरा बना सकते हैं जिसके थ्रू आप देख सकते हो, है कि नहीं? उसी तरीके से कॉनकेव लेंस का रे डायग्राम भी इसी वजह से हमें समझना जरूरी है। आज का जो सेशन होगा उसमें आपको बताऊंगा कि कॉनकेव लेंस की एप्लीकेशंस क्या क्या होंगी, जैसे मैंने कॉन्वेक्स लेंस के लिए बताया था आपको, ठीक है? अब उसके अलावा एग्जाम में इस कॉनकेव लेंस से क्या क्या टॉपिक आ जाता है, जैसे कॉन्वेक्स लेंस के बारे में बताया था, वही मैं अभी कॉन्केव लेंस के लिए आपको बताने जा रहा हूं, तो ध्यान से देखना। सबसे पहली बात तो भाई सिंपल सी है, सीबीएसई आईसीसी कोई भी बोर्ड फर्क नहीं पड़ता, यही पूछा जाता है कि कंप्लीट द रे डायग्राम। और कॉन्केव लेंसेज के रे डायग्राम सबसे ज्यादा आते हैं इस पर्टिकुलर टाइप क्वेश्चन में। कॉन्वेक्स लेंस का शाहरुख खान और वी आता है, लेकिन यहां पे कॉन्केव लेंस के लिए दोनों रे डायग्राम्स आ जाते हैं फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्लीटिंग द रे डायग्राम्स। उसके अलावा आपसे पूछा जाता है कि भाई कॉन्केव लेंस में इमेज पोजीशन क्या है, इमेज पोजीशन के अलावा आपका इमेज डिस्टेंस क्या है, और आपका साइज एंड ओरिएंटेशन क्या है, नेचर क्या है, ओरिएंटेशन क्या है, साइज क्या है इमेज का, ये सारी चीजें पूछी जाती है। और मैं आपको सिंपल सा शॉर्टकट दूंगा ये सारी चीज याद रखने का भी, सो होल्ड ऑन, ठीक है बच्चों? तो स्टार्ट कर रहे हैं, तो स्टार्ट करें हमारे पहले रे डायग्राम से, और इसको ध्यान से देख के मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। मुझे नहीं लगता है मैं जो आपको बताने की जरूरत है, क्योंकि अगर आपने फोकस ऑफ अ कॉनकेव लेंस पढ़ा हुआ है तो भाई ये तो है बहुत ज्यादा इजी। फोकस ऑफ अ कॉनकेव लेंस पढ़ा है आपने तो ये बहुत ज्यादा इजी है, जल्दी से दो रे डायग्राम बना लेते हैं और सीधा मेंटी पे चलते हैं सीधा विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, ठीक है? जल्दी बताओ कहां पे बनेगा इमेज, कहां पे बनेगा इमेज बताओ, एफएम बनेगा एफ2 बनेगा? इसी रे डायग्राम के थ्रू हमने पता किया था कि भाई कॉनकेव लेंस का फोकस कहां होता है, इसी के थ्रू बनाया था। जल्दी बताओ, जो बच्चे लेट आए, जो बच्चे पूछ रहे हैं आईसीसी सीबीएसई दोनों के लिए, बच्चों दोनों के लिए, दोनों देख सकते हैं, आईसीसी के लिए स्पेशली, लेकिन दोनों देख सकते हैं बिल्कुल, ठीक है? एट F1, एट F1 पक्का, पक्का F1, ये ऑसमली वेल डन, ये हुई ना बात, फैंटास्टिक। तो सबसे पहले रे डायग्राम को कंप्लीट करते हैं, क्योंकि पहला क्वेश्चन तो वही है ना, पहला सवाल तो वही है, पहले रे डायग्राम को कंप्लीट करते हैं, फिर इमेज पोजीशन निकालते हैं। इमेज जैसे तो मिलेगा नहीं, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यूज यहाँ पे है नहीं, तो पर्टिकुलर 20 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर नहीं मिलने वाला आपको, लेकिन नेचर ओरिएंटेशन और साइज आपको जरूर मिल जाएगा, है ना? तो सबसे पहले कंप्लीटिंग द रे डायग्राम करते हैं। हमारा कॉनकेव लेंस किस टाइप का लेंस है बच्चों? कॉन्वेक्स लेंस है कि डाइवर्जिंग लेंस है कि कन्वर्जिंग लेंस है, ये बताओ मुझे जल्दी से। हमारा जो कॉनकेव लेंस है वो डाइवर्जिंग लेंस है या कन्वर्जिंग लेंस है? बेचो सर, जल्दी 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 जल्दी, इट इज डाइवर्जिंग लेंस, फैंटास्टिक, इट्स अ डाइवर्जिंग लेंस। तो जो भी रेज इस पे पड़ रही है वो डाइवर्ज आउट हो जाएंगी, है ना? वो डाइवर्ज आउट हो जाएंगी, खत्म, ठीक है? तो ऑफ कोर्स अगर ये लाइट रेज डाइवर्ज हो रही है, सारे के सारे रिफ्रैक्टेड रेज इंटरसेक्ट नहीं करने वाले एक दूसरे को, तो अगर वो इंटरसेक्ट नहीं कर रहे तो हमें पता है कि यहाँ पे मुझे एक रियल फोकस नहीं मिलने वाला है। जब हमने ये सेम रे डायग्राम बनाया था फॉर फोकस ऑफ अ कॉनकेव लेंस, हमने क्या किया था, ऑल दी रेज पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस डाइवर्ज आउट, बट देन वी प्रोजेक्ट बैक दी रिफ्रैक्टेड रेज एंड दी ऑल दी प्रोजेक्टेड एक्सटेंडेड रिफ्रैक्टेड रेज इंटरसेक्ट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस टू गिव यू द फोकस। और जो फोकस हमने बनाया था वही करेंगे अभी हम, ये सारे रिफ्रैक्टेड रेज है इसको भी प्रोजेक्ट बैक करो। कर दिया, ये भी कर दिया, देख लो सारे के सारे आपके फोकस में इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो भाई रे डायग्राम कंप्लीट हो गई, पहला रे डायग्राम कंप्लीट हो गया। एरो मार्क नहीं बनाओगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है? इस बात को याद रखना। तो हमारा रे डायग्राम कंप्लीट। अब सेकंड थिंग, कहां पे इमेज बना है? इमेज पोजीशन इज एट F1, इमेज पोजीशन इज एट F1, दैट इज ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट भी इसी यहीं पे है और आपका इमेज भी यहीं पे बन रहा है, ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बन रही है आपकी इमेज, करेक्ट? तो द इमेज पोजीशन इज एट F1। ऑफ कोर्स भाई यहां पे रेज एक्चुअली में इंटरसेक्ट नहीं की है, इनको हमने प्रोजेक्ट बैक किया है तब जाके इंटरसेक्शन हुई है, तो ये रियल इमेज बिल्कुल भी नहीं है, ये वर्चुअल इमेज है कि नहीं? क्योंकि अगर रिफ्रैक्टेड रेस अपने आप इंटरसेक्ट करती तब आपको मिलता क्या? तब आपको मिलता रियल इमेज। लेकिन यहां पे अपने आप इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, हमने उसको प्रोजेक्ट बैक किया, तो आपको क्या मिल रहा है? वर्चुअल इमेज। क्या मिला आपको? वर्चुअल इमेज मिला है। और सारे के सारे वर्चुअल इमेजेस क्या होते हैं भाई? आपको पता है कि वो इरेक्ट इमेजेस होते हैं। और यहाँ पे आप इमेज, अब यहाँ पे आप इमेज देख पा रहे हो? यहाँ पे तो भाई इमेज दिख ही नहीं रहा है, ये तो पूरा गुप्त हो चुका है, इनविजिबल हो चुका है इमेज, तो दिख ही नहीं रहा है। तो इट्स अ वेरी वेरी डिमिनिश्ड इमेज, सो आई कैन से इट्स अ हाईली डिमिनिश्ड इमेज, HD है भाई, इट्स अ वर्चुअल इरेक्ट एंड हाईली डिमिनिश्ड इमेज इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो। बात समझ में आ गई? अ वेरी 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 सिंपल रे डायग्राम फॉर द फर्स्ट वन। और जैसे मैंने कहा, आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी व्हेन इट केम टू फाइंड आउट द फोकस ऑफ अ कॉनकेव लेंस। सो आउट ऑफ द टू रे डायग्राम्स ये अलग से याद करने की जरूरत नहीं, ठीक है? और भाई देखते ही देखते क्या देख रहा हूं मैं, ओहो 430 लाइक्स हो चुके हैं बच्चों, लेट्स क्रॉस 1000 लाइक्स, आज का भी टारगेट 1000 लाइक्स है, सो लेट्स क्रॉस 1000 लाइक्स। एंड ऑल्सो आई कैन सी दैट वी हैव 500 स्टूडेंट्स राइट नाउ इन द चैट,
हाय एवरीवन, व्हाट्स अप। ठीक है, चलो अब ध्यान देखो, अब ध्यान दो। नेक्स्ट रे डायग्राम इसके बाद देखिए ना, और नेक्स्ट रे डायग्राम देखो। ठीक है, ये बन गया हमारा, ये वाला देखो, पूरे ध्यान से देखना, पूरे शिद्दत से देखना इसको। अब मैंने ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी से बियॉन्ड 2F2 रख दिया। कहां रख दिया? बियॉन्ड 2F2। यही था ना नेक्स्ट पोजीशन, पहले इंफिनिटी में होता है, फिर बियॉन्ड 2F2 होता है, फिर 2F2 पे आती है, फिर 2F2 और F1 के बीच में आती है, F2 और F1 के बीच में आती है, उसके बाद फिर हम उसको रख देते हैं F1 पे, फिर F1 ऑप्टिकल सेंटर पे आती है, फिर ऐसे धीरे धीरे ऑब्जेक्ट नजदीक आती रहती है। तो यहाँ पे हम वही करने की कोशिश करेंगे, देखो अभी ध्यान से। ठीक है, तो सिंपल सी बात, कैसे बनाओगे आप रे डायग्राम? दो प्रिंसिपल रेज का इस्तेमाल करोगे। पहला प्रिंसिपल रे कौन सा है? अरे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अपीयर्स टू पास थ्रू द फोकस, है ना? तो द रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अपीयर्स टू पास थ्रू द फोकस, दैट्स माय फर्स्ट प्रिंसिपल रे, करेक्ट? आई यूज माय सेकंड प्रिंसिपल रे नाउ, द रे पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर गोज अनडिविएटेड। ठीक है, तो ये आपका सेकंड प्रिंसिपल रे गोज अनडिविएटेड विद ऑर्डर रिफ्रैक्शन। कहां हुई इनकी इंटरसेक्शन? अगर मैं इसको भी प्रोजेक्ट बैक करूंगा तो ये भी इसी 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 वे के थ्रू प्रोजेक्ट बैक कर जाएगी। तो यानी कि इंटरसेक्शन इसका हुआ यहीं पे, करेक्ट? तो इमेज कहां बनी? इमेज वहीं पे बनी। और आपको यहां पे क्लियरली दिख रहा होगा कैसा इमेज बना है भाई, ये पक्का बना हुआ है वर्चुअल इमेज, ये बना हुआ है इरेक्ट इमेज, करेक्ट? वर्चुअल बना है, इरेक्ट बना, और क्या बना हुआ है? डिमिनिश्ड इमेज बना हुआ है, हाईली डिमिनिश्ड नहीं है ये, लेकिन ये डिमिनिश्ड इमेज बना हुआ है। तो आपका इमेज, आपका रे डायग्राम कंप्लीट कर दिया। इमेज पोजीशन इज इन बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, इमेज पोजीशन इज बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, योर इमेज इज वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। अभी पोजीशन चेंज करके देखते हैं, अभी यहीं पे हम क्या करेंगे भाई, यहीं पे अपना पोजीशन हम चेंज करेंगे, देखते हैं कि क्या होता है। ध्यान से देखो, पूरे ध्यान से देखो, ठीक है, मजा ही मजा, देखो यहां ध्यान से। ठीक है, मैंने ऑब्जेक्ट को अभी यहां पे एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसे छोटा बना देते हैं। ठीक है, ओके, ध्यान से देखो इसे, मैंने रख दिया ऑब्जेक्ट को यहां पे। ठीक है, अब देखते हैं, अब ये बिटवीन 2F2 और F1 है, देख 2F1 और F1 है, देखते हैं कहां पे इमेज बन रही है। ठीक है, देखते हैं कहां पे इमेज बन रही है। देखो ये रे गया पैरेलल, डाइवर्जेस आउट, फोकस से तो निकल गया। ठीक है, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर के तो निकला, इंटरसेक्शन कहां हुई? इंटरसेक्शन दोबारा ऑलमोस्ट उसी जगह पे हुई है, ऑलमोस्ट उसी जगह पे, यानी कि इमेज पोजीशन स्टिल रिमेन्स बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। आपकी इमेज पोजीशन F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ही रह रही है। ठीक है, ध्यान से देखो उसे, और इमेज कैसा बना है? ऑफ कोर्स वर्चुअल इरेक्ट बनी है, और इमेज अभी भी डिमिनिश्ड है, आपके ऑब्जेक्ट से छोटी है अभी भी, डिमिनिश्ड इमेज। अब एक और पोजीशन ले लो भाई, क्यों इतना टेंशन ले रहे हो? एक और पोजीशन ले लो, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, मैंने कहा रखना आपको F1 पर रख दूं, यहां पर रख देता हूं। देखो ध्यान से भी, देखो प्यास क्या होता है। ठीक है, F1 पर रख दिया, अब मैंने ये बनाई रही, क्या हो गया? चला गया, प्रोजेक्ट बैक कर दिया मैंने। ठीक है, दोबारा ऑप्टिकल सेंटर, क्या हुआ दोबारा? देखो वहीं पे उसी के आसपास आपकी ये इमेज भी बन गई। कहां पे बनी है इमेज? F1 और ऑप्टिकल सेंटर के वहीं पे, इट्स फॉर्म बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर ओनली। और क्या बनी है? वर्चुअल बनी है, यस। इरेक्ट बनी है, यस। डिमिनिश बनी है, यस। तो क्या देख रहे हो यहां पे? यहां पे आप ये देख पा रहे हो कि भाई कॉनकेव लेंस के सिनेरियो में आप ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रख दो, बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आप इमेज ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रख दो, आपकी इमेज हमेशा F1 और ऑप्टिकल सेंटर पे ही बन रही है, के बीच में ही बन रही है, यानी कि इट्स ऑलवेज फॉर्मिंग इन फ्रंट ऑफ द लेंस, इन फ्रंट नहीं बोलूंगा, ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। ये करेक्ट डेफिनेशन है, कहां पे बनती है इमेज? ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, इससे कंफ्यूजन चला जाता है। ठीक है, और कैसी बन रही है आपकी इमेज? आपकी इमेज बन रही है वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड एवरी सिंगल हेल ऑफ द टाइम। और सो याद कैसे रखना है? सिंपल सी बात है भाई, वेदांतु नाम है ना हमारा, वेदांतु, वेदांतु में से इस वेद को उठा लो, दिख जाएगा यहां पे। मेरे सारे सीबीएसई बच्चे जानते हैं, है ना, कि सीबीएसई मैंने ये टॉपिक ऑलरेडी पढ़ा दिया है। देख रहे हो यहां पे, वेदांतु का वेद उठा के लगा दोगे यहां पे, तो क्या बन गया? वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड, वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड। ऐसे रखना है यार, ऐसे। इमेज प्रॉपर्टी ऑफ अ कॉनकेव लेंस इज वेद, व्हाट इज इट? इट्स नॉट वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड, इट्स वेद, सिंपल। फॉर कॉन्वेक्स लेंस वी रिमेंबर्ड वी, राइट, शाहरुख खान का इमेज में वी याद रखा था, यहां पे हम क्या याद रखेंगे? वेद।
And that's it, people. There ends your concept of concave lens because there is no possibility है ना उसके आगे, क्योंकि भाई हर एक object position में same image position है, same you know properties है, तो फिर और बना के क्या फायदा? तो यहाँ पे आप जितना भी कर लो, आपका जो image है वो f1 और optical center के बीच में ही होगा, बिल्कुल जो भी कर लो यहीं पे हो. देखो ऑब्जेक्ट पोजीशन चेंज होती जा रही है, इमेज पोजीशन f1 और o के बीच में ही है, हमेशा वर्चुअल है, हमेशा इरेक्ट है और हमेशा आपके ऑब्जेक्ट से डिमिनिश्ड है. अभी यहाँ पे आपको एक चीज बहुत ध्यान से देख रही है और इसका सवाल आता है ICC 10 बोर्ड में कि भाई जब आपका ऑब्जेक्ट कॉनकेव लेंस के नजदीक जाता है इमेज पर क्या इफेक्ट पड़ती है, कॉनकेव लेंस से जब दूर जाता है तो इमेज पर क्या इफेक्ट पड़ती है, क्या वो बड़ा होता है, छोटा होता है, ऑप्टिकल सेंटर के पास जाती है कि दूर जाती है, वो ध्यान से देखो. तो यहाँ पे क्या देख रहे हो आप, जब ऑब्जेक्ट दूर जा रही है इमेज भी दूर जा रहा है और इमेज छोटा हो रहा है, जब ऑब्जेक्ट नजदीक जा रही है लेंस के इमेज बड़ी हो रही है और इमेज भी लेंस के नजदीक जा रही है. ये दोनों चीज आपको अलग से याद रखनी होगी. Okay, people, that's it. That's all, people. That's all we had to say and that's all we had to know. That's it about concave lens. I'll quickly revise it in front of all of you guys. Usko dhyan se dekh lena. Theek hai? So when the object is at infinity, image is at focus, image formed is highly diminished, erect and virtual. The application for it is in the Galilean telescope. You can find out the image on the internet. Galilean telescope is a very famous telescope used in a lot of astronomical discoveries. Moving on to the second part, ab object ko infinity aur optical center ke beech mein kahin pe bhi rakh do, aapki image hamesha on the same side of the object between focus and optical center hi banegi aur image hamesha ved hoga, virtual, erect and diminished. Ye ho jata hai aapka spectacles ke liye. Jo spectacles maine abhi pehne hain aapke samne wo concave lenses ki hai aur yahi pe iska istemal hota hai. Theek hai people, that's it. So I've explained it again now in front of all of you guys. You can try it out as many times you want it and let me know. Cool, okay, yep, we are here into VIP now. Pahunch gaye VIP mein. इतना ही था आज का सेशन, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी कह दिया. ठीक है, आज हम करेंगे चार क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स कमिंग फ्रॉम कॉनकेव लेंस और ये सारे के सारे क्वेश्चन जो अभी हमने पढ़े हैं उससे आने वाले हैं. तो मैं चाहूंगा कि आप लोग इसका एक पिक्चर ले लो जल्दी की जल्दी, अभी एक पिक्चर ले लो, इसका समरी है आज का हमारा, जल्दी से ले लो पिक्चर जल्दी से ले लो पिक्चर, इसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. मैं जल्दी जाता हूँ स्क्रीन के बाहर. ठीक है, लेट्स गेट इन VIP, मजा आएगा अभी. वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स पे हम आ चुके हैं. ठीक है, जल्दी जाओ बच्चों. थैंक यू सो मच आदित्य, मींस अ लॉट. ग्रेट, यस राद, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स. यस हाय एवरीवन, यस हेवंत सर, कैन एन इमेज फॉर्म इनसाइड द लेंस? ना बेटा, इतना दिक्कत मत करो. Okay, which part, Sneha? I think I've explained it 3 times already. Which part do you mean? You can always replay this video, Sneha. And once I saw your comment, only I explained it again. I think you were not concentrating enough, Sneha. Come on. Jaldi. Great. Let's go. Badhiya. Pahunch gaye? Aage sab log. Jaldi aajao, bachcho. Bahut zyada important hai. Jaldi aajao. आपके पास चार क्वेश्चन है यहाँ पे और मैं देख सकता हूँ यस 200 बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं हमारे साथ. और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि आपको कैसे जाना है, कैसे ज्वाइन करना है इस पर्टिकुलर क्विज को. आपको जाना है menti.com पे और कोड यूज करना है 3969298. क्या करना है आपको? 3969298 इज द कोड. और जैसे ही कोड डाल दोगे आप आ जाओगे यहाँ पे. हाय कुशग्रह जी नमस्ते, हाय अभिनंदन जी नमस्ते. ग्रेट. सर मैंने भी लास्ट क्लास के होमवर्क आंसर दिया था लेकिन आपने मेरा नाम नहीं लिया. बेटा रुचि जी, मैंने जैसा कहा आपको, नाम टॉप 5 या टॉप 6 का मैं जितना बच्चों को हो सके मैं लेने की कोशिश करता हूँ, तो मैंने उनका ले लिया है, बस इतना ही मैं कर सकता हूँ. थैंक यू सो मच प्रवानी जी. यस ग्रेट आदित्य जी नमस्ते. चलो. Spectrum chapter is reduced, sir. No, spectrum chapter is not. Spectrum chapter was reduced. Scattering of light was reduced from the topic. Nothing else is reduced. ओके, आगे सब लोग. ओके, देयर आर ऑलमोस्ट 300 स्टूडेंट्स वेटिंग राइट नाउ हियर. हमारे पास यहाँ पे YouTube पे 500 के ऊपर बच्चे हैं, तो बच्चों जल्दी से ज्वाइन कर लो. जैसे वहाँ पे नंबर 400 हो जाएगा विल स्टार्ट दिस सेशन. ठीक है, जल्दी ज्वाइन करो. वेट बिल्कुल नहीं करना है. अपने लैपटॉप पे या तो मोबाइल फोन पे सीधा आप लोग जाओगे menti.com पे और कोड यूज करोगे 3969298. जो अभी आपने पढ़ा है उसके बेसिस पे चार क्वेश्चन आने वाले हैं, मचाना है बस. ये ऑल इंडिया क्विज हो रही है अभी, तो जल्दी से. ठीक है, जल्दी से. अमूल्या आस्किंग सर कैलरीमीटर का, कैलरीमेट्री बेटा पहले हम लाइन बाय लाइन जा रहे हैं ना, इसको स्किप करे चले जाओ सीधा. नहीं भाई, लाइन बाय लाइन जा रहे हैं, एक करके करेंगे, चिंता नहीं. दैट व्हाई इज दैट नमन, व्हाई इज दैट? इफ आई डू इट देन इट विल लुक रियली बैड, राइट? करेक्ट नमन, कूल.
थिंक अबाउट इट, न्यू प्लेटफॉर्म, एंजॉयिंग सेशन, थैंक यू सो मच अंजलि, आई एम रियली ग्रेट, आई एम रियली ग्रेट. विधि जी नहीं, मैं तो नहीं खेल रहा, जल्दी जल्दी आ जाओ. ओके 375, 378, लेट एवरीवन ज्वाइन क्विकली क्विकली क्विकली. सो विच आईपीएल टीम डू यू सपोर्ट? आई सपोर्ट, आई डोंट नो यार, नॉट इंटरेस्टेड. ग्रेट, ऑसम, ऑसम, ऑलमोस्ट, यस, 400 पीपल हैव जॉइंड. नाउ वी आर गोना स्टार्ट द क्वेश्चन. देयर आर फोर क्वेश्चंस कमिंग अप. And for all the four questions, you will get 30 seconds to answer and 10 seconds to read the question. So total 40 seconds you will have. So give your best. Do not hurry, buddy. ठीक है? चलो. Question number one, people. Coming on your screens right now. जल्दी से. Okay. A concave lens forms the image of an object which is virtual, inverted and diminished, virtual, upright and diminished, virtual, inverted and enlarged, virtual, upright and enlarged. Naman, that's not the problem of this screen. That's the problem of your video quality. Please increase the video quality. You will be fine. Theek hai? Okay. Hi, Kushagra. Yes, from CBC. Oh, great, 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 great. Jaldi, 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 jaldi. Beast Boy, apna naam le rahe ho kya? Beast Boy Gaming. Achhi baat hai, yaar. Apne aap ko bolna kaafi achhi baat hai. Confidence badhta hai. Okay, aur batao. Kya? Yes, yes, yes. Almost 3, 2, 1. 450 बच्चों ने वोट डाउन कर लिया, 450 बच्चों ने वोट डाउन कर लिया. आई कैन सी क्या आंसर आएगा. अरे कम ऑन पीपल, वर्चुअल इन्वर्टेड डिमिनिश्ड, ये पढ़ा हमने यार, दिस इज वेरी डिसअपॉइंटिंग, दिस इज वेरी डिसअपॉइंटिंग पीपल. कम ऑन, वर्चुअल इन्वर्टेड डिमिनिश्ड थोड़ी पढ़ा हमने, वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश पढ़ा. इरेक्ट होता है अपराइट, इन्वर्टेड डाल दिया आपने. इतना मस्त आपको शॉर्टकट बताया था वेद का, भूल गए आप लोग यार, दिस इज वेरी डिसअपॉइंटिंग. हट यार, मूड ही खराब हो गया तो बुरा. कॉन्सेंट्रेट पीपल, कॉन्सेंट्रेट, जल्दबाजी नहीं करनी है. जो जल्दबाजी नहीं करेगा, जो रीड करेगा क्वेश्चंस को और ऑप्शंस को रीड करेगा क्लियरली, वही जीतेगा. तो जल्दबाजी करने का फायदा नहीं है. जो दिन भर ये मेंटी 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 करते रहते हो ना, तो थोड़ा फोकस भी करो मेंटी में, अच्छा लगता है कि नहीं? तो पूरा फोकस यहाँ पे बच्चों. तो राघव जी सबसे ऊपर, अतुल जी, राघव जी जीते भी हैं एक बार हमारे साथ. राघव जी, अतुल जी, स्टारबक्स चले, अरे बेटा कब ले जा रहे हो. साहिला, अक्षरा, स्नेह जी, नॉट स्नेहा, अच्छा स्नेह जी, नमस्ते, नमस्ते बेटा. ओके पलक जी, हाई फाइव बेटा, हाई फाइव, हाई फाइव, हाई फाइव. शांतनु जी, हाई फाइव टू यू आल्सो. प्रूम, भव्य एंड माया, कांग्रेचुलेशंस, थैंक यू सो मच. ये अभी भव्या है या भव्य, आई एम सॉरी, आई गेट रियली कंफ्यूज. सो फॉर बोथ ऑफ यू गाइस, गुड जॉब. ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू कमिंग ऑन योर स्क्रीन्स, कमिंग क्वेश्चन नंबर टू, जल्दी 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 जल्दी. सो पीपल कमिंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर टू, जल्दी से रेडी हो जाओ. हमारे पास 473 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, जल्दी आ जाओ. चलो, गलत हो गया सानिया जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, आ जाओ. Yes, as the object moves away from a concave lens, the size of the object. ये हमने अभी देखा था, हमने एक छोटे से एनिमेशन या जिप के थ्रू हमने देखा था कि जब ऑब्जेक्ट लेंस से दूर जाता है तो आपके इमेज पे क्या इफेक्ट पड़ती है ना. ये हमने देखा था, मैंने आपको याद रखने के लिए बोला था. थैंक यू सो मच साक्षी, ग्रेट 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 ग्रेट. बिकम स्मॉलेस्ट, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ऑलमोस्ट देयर. बिकम्स बिगर, बिकम्स स्मॉलेस्ट, स्टेज द सेम कॉन्सेप्ट. जल्दी बताओ बच्चों. And I could see we have almost 600 students right now here. Menti pe participate karna hai bacho, to you have to go to menti.com and use the code 3969298. Aur main dekh sakta hu ki is baar, haan, ye hui na baat. Ab aap notice kar rahe ho, bahut badhiya. Exactly correct, you got it right, it becomes smaller. Humne dekha tha ki jaise object piche aati hai, aapki image bhi piche aati hai aur choti ho jati. Good job people, let us check out the leaderboards. Okay. मार्क सर, वन शॉट कब आएगा बेटा, पहले सिलेबस तो खत्म हो जाए फिर तो वन शॉट करेंगे ना. ओके okay. तो राघव जी गुड जॉब, राघव इज अगेन ऑन द टॉप, अलग इज ऑन द नेक्स्ट सेकंड. स्नेह, अंशु, अरे यार बार बार, हर पिछली बार भी यही कर दिया आपने, है ना. तो नहीं रख, नहीं करते बच्चों, नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते ऐसी चीज, है ना. अक्षरा, प्रियांश जी, अरे प्रियांश जी कहां थे इतने दिन, मतलब बताओ प्रियांश जी, तुम मिस करा था. ICC के लीडरबोर्ड में दिख नहीं रहते आप, कैसे हो, मिड टर्म चल रहे थे इसलिए. चलो बेटा हाई फाई, वेलकम बैक टू दी मेंटी. आ गए प्रियांश जी से बच के रहना, मस्त खेलते हैं भाई वो, मस्त खेलते हैं बहुत. मतलब मैंने पहले भी कहा कि प्रियांश के सबसे ज्यादा फोटोज लिए मैंने, जब यो मेंटी जीता ना, प्रियांश के सबसे ज्यादा फोटोज मेरे पास. समायरा जी भी आगे, हमारे धृति जी भी आगे, अखिला जी भी आगे, कांग्रेचुलेशन पीपल. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर थ्री, पूरे ध्यान से देखोगे अभी आप, पूरे ध्यान से देखोगे, ठीक है जल्दी से. ओके एंड क्वेश्चन नंबर थ्री ऑन योर स्क्रीन्स, वी हैव 500 स्टूडेंट्स थ्रू आउट द कंट्री participating. This is an all India level quiz, people give your best. Consider an object at infinite distance from a concave lens. Where is the image formed? At focus on opposite side of the object, at focus on the same side of the object, at 2f on opposite side of the object, at 2f on the same side of the object. You know the answer to this. Isko maine 4 bar repeat kiya har bar. Sir aapke specs ka power kitna hai? Mera specs ka power -9.57 hai. Are bhai kuch zyada hi nahi ho gaya ho Asmi ji? Mera -1 hai beta.
जल्दी। और यार मेरे को स्पेक्स चेंज करना है यार, गट रहा है मेरे यहाँ पे ना निकल रहा है पूरा, तो इट्स पेनिंग हियर पूरी तरीके से। जल्दी से जल्दी जल्दी जल्दी। ओके यस एग्जैक्टली करेक्ट। हमने क्लियरली देखा भाई जिस साइड में ऑब्जेक्ट होती है कॉनकेव लेंस के उसी साइड में आपका इमेज भी फॉर्म होता है। फैंटास्टिक पीपल, लेट्स चेक आउट द लीडरबोर्ड्स। सर सोर्स ऑफ एनर्जी डिंपल जी आउट ऑफ सिलेबस है नहीं, अभी आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है। राधे राधे बेटा, आदित्य बेटा, तुषार जी कैसे हो, बहुत बढ़िया, आप कैसे हो, मिसलिक हो क्या सीमा, कोई बात नहीं यार। तो मैं देख सकता हूँ कि राघव जी अभी भी सबसे ऊपर, स्नेह जी, समायरा, आई लव यू शरण्या, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग ओके। सानवी जी नमस्ते, आज आपने अपने नाम मैच लगवा दिया। ओके अक्षरा जी, प्रियांश, रत्नेश, धृति, दिव्या जी, फैंटास्टिक फैंटास्टिक फैंटास्टिक। शरण्या का करूँ, शरण्या आप ही बताओ, निकाल दो इसके, चलो निकाल दिया। ठीक है यार, अपने पापा मम्मी का नाम लिखो, कभी तो लिख दो आई लव यू पापा आई लव यू मम्मी, अच्छा लगता है। बाकी लड़कियों से प्यार करें क्या फायदा, पेरेंट्स से प्यार करो, कुछ तो इज्जत रखो उनकी, लेकिन चलो आगे बढ़ते हैं टू फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन बच्चों आपके सामने, आई नो राइट विधि एग्जैक्टली शी पुट, तो एच तो शानवी के नाम में एच है नहीं, मैं उसको गलती से शानवी शानवी बुला देता हूँ, तो एच डाल दिया उसने अपने आप। सर मैं भी न्यू स्पेक्स चेंज कर दिया, अरे क्या बात है इसमें जी, बहुत बढ़िया। चलो सर स्पेक्ट्रम कब आ रहा है, स्पेक्ट्रम तो आ चुका है मान्या जी, एक वीडियो लॉन्च हो चुकी है। अच्छा मैं फोर्थ क्वेश्चन जाने से पहले, स्पेक्ट्रम का पहला वीडियो कैसा लगा, द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कैसी लगी थी, मजा आया था, देखा है अभी तक, नहीं देखा तो मैं बता देता हूँ आपको, स्पेक्ट्रम का चैनल लॉन्च हो चुका है जिसमें मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, कोशिश कर रहा हूँ कि आपको फिजिक्स के और साइंस के नए तरीके दिखा दो पढ़ने के, है ना, मस्त लगा था, एकदम अमेजिंग था। ठीक है, जिन बच्चों ने नहीं देखा है बच्चों, ये लिंक है उस पर्टिकुलर चैनल का, vdnt.in/spectrum, प्लीज चले जाना, बहुत 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 अच्छा होगा आप चले जाओगे, कि लॉन्च हो चुका है ये 30th सितंबर को लॉन्च हुआ था, और हमारे पास अभी ऑलरेडी 33,000 की फैमिली बन चुकी है। इतना अच्छा लगता है ना जब आप लोग इतना अच्छा सपोर्ट करते हो, तो प्लीज गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू द चैनल vdnt.in/vspectrum, उस चैनल का लिंक है, चले जाना और पहला वीडियो देख लो, एक काम करो पहला वीडियो देख लो, ट्रेलर देख लो, टीजर देख लो, लॉन्च देख लो, द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पहला वीडियो था, अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो, कोई फोर्स नहीं कर रहा आपको, ठीक है, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, लेकिन सब्सक्राइब करो तो खुशी बहुत होगी मेरे को, ठीक है, देख लेना एक बार बस। साइलेंस साक्षी जी, अरे बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया पीपल फॉर दिस सपोर्ट, यू आर अमेजिंग, इज अमेजिंग। फोर्थ क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, सर स्पेक्ट्रम चैनल स्पेक्ट्रम चैप्टर रिड्यूस, नहीं नहीं बेटा स्पेक्ट्रम देखो मैं बता रहा हूँ, स्पेक्ट्रम चैप्टर रिड्यूस नहीं हुआ आईसीसी 10 से, उसमें से एक टॉपिक है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, वो निकाली गई है, मैंने रीचेक किया था एक बार। Which of the following is true for a concave lens? The most easiest question for this particular session. It can make real as well as virtual images. It can make erect and inverted images. It can only make virtual and erect images. It can only make real and inverted images. I am betting on this कि इस बार हमें सबसे ज़्यादा बच्चे सही आंसर देंगे। आपको वेद का शॉर्टकट पता है। Thank you so much, yeah people. Thank you so much. जो best wishes बोल रहे हैं स्पेक्ट्रम के लिए, thank you so much. बहुत अच्छा लग रहा है यार, बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा लगता है काफी यार देखकर। Time's up and come on, come on. Exactly. This is what we say. Amazing. ये हुई ना बाबू, ये हुई ना बात। Superbly goal. Preeti ji, बहुत बढ़िया. Fantastic. Super people, superb. Good job, very well done. तो ये हुई ना बात यार, मजा आ गया आपको देखे, मजा आ गया। तो बहुत मस्त खेले आप। आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक से इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आ सकते, और जैसा मैंने कहा है आपको कि तो देखना कितना ईजी था, इतना ईजी आता है। तो इन सारी चीजों को दिमाग में रखना है, कंप्लीटिंग रे डायग्राम्स के लिए रे डायग्राम्स प्रैक्टिस कर लेना, और चिंता नहीं होगी आपको फिर कोई। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में हम साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे और लेंस फॉर्मुला के बारे में पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है वो, शायद आपके इस पूरे थियोरेटिकल का लास्ट कॉन्सेप्ट होगा, क्योंकि उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स में घुसेंगे। साइन कन्वेंशन के बाद सीधा लेंस फॉर्मूला के बाद फिर क्या करेंगे हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, वही बात। ठीक है, तो आखिरी आपको लीडरबोर्ड्स दिखाने से पहले जैसा मैं हमेशा आपको कहता हूं, आप लोग हर दिन हर सब्जेक्ट ऐसे ही मजे करते हुए पढ़ना चाहते हो, और ना जहां पे सिर्फ मार्क्स की बात नहीं होती है, मैं आपको बताया मैंने मार्क्स की बात सेकंड में की थी, पहली बात ये समझ कि करना क्यों है, तो हर बार 100% नॉलेज के लिए पहले, और उसके बाद 100% मार्क्स के लिए करना चाहते हो, तो गिव मी अ क्विक यस, गिव मी अ क्विक बल्ले बल्ले, बोलो जोर से, तारा रारा मचाते हैं फिर, है ना। तो अगर बच्चों करना चाहते हो तो सिंपल सी बात है, आपको जाना है, एक लिंक दिया होगा आपको डिस्क्रिप्शन में, और आपको एक लिंक दिया होगा हमारे पिंड कमेंट पे, तो सबसे पहला जो कमेंट है वेदांतों का, वहां पे एक लिंक दिया होगा वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन का। तो ऐसे ही हर दिन अनलिमिटेड लाइव क्लास का मजा ले सकते हो आप। बहुत बच्चे पूछ रहे थे सर क्लासेस एक सब्जेक्ट के लिए होंगी, दो सब्जेक्ट के लिए होंगी, भाई हर एक सब्जेक्ट,
जो भी प्राइस पॉइंट आपको दिखाने वाला हूं मैं, वो हर एक सब्जेक्ट के लिए है, और ना ही सिर्फ एक क्लास के लिए, दो क्लास के लिए नहीं, आपके पास अनलिमिटेड लाइव क्लास का ऑप्शन है, जहां पे सुपर कॉर्नर हाई लेवल क्विजेस के साथ हम सेशंस लेते हैं, ऐसे जैसे देख रहे हो ना वैसे ही, बहुत मजा आता है, और हर एक क्वेश्चन आईसीएसई बोर्ड से लिया जाता है, सीबीएसई बोर्ड से लिया जाता है, और मजा ही मजा। उसके अलावा इतना ही नहीं भाई, और भी बहुत ज्यादा मजा है। You can compete, जैसे अभी आपने देखा कि 500 के ऊपर बच्चे थे थ्रू आउट दी कंट्री, मे बी फ्रॉम आउट ऑफ दी कंट्री एज वेल, तो हमारे प्लेटफॉर्म पे भी दुनिया भर से बच्चे हमारे साथ सेशंस में रहते हैं टू स्टडी, टू लर्न एंड एंजॉय अ लॉट। तो आप कंपीट करोगे ना ही अपने स्टेट के बच्चों से, ना ही अपने स्कूल के बच्चों से, आप कंपीट करोगे पूरे दुनिया के बच्चों से, एंड दैट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट टू अंडरस्टैंड कि आप रैंक कहाँ कर रहे हो, और उसके अलावा कि भाई आपकी वीकनेसेस क्या हैं, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, ये समझने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब उसके अलावा वन मोर वेरी इंटरेस्टिंग थिंग विच आई ऑलवेज ट्राई टू पिच इन इज इंटरैक्टिव रीप्ले। मान लो कि आप ये वीडियो अभी जो चल रहा है ये लाइव वीडियो से आप क्विज खेल पाए, जब ये लाइव के बाद एक नॉर्मल वीडियो बन जाएगा जहां पे आप बार बार देखोगे, अगले साल भी देखोगे, इस साल भी देखोगे दोबारा टू रिवाइज, आपको पता चलेगा कि आप क्विजेस नहीं खेल पा रहे हो, है ना। लेकिन हमारे वेदांतु प्लेटफॉर्म में ऐसा नहीं है, क्योंकि हम यूज करते हैं इंटरैक्टिव रीप्ले, यानी कि जो वीडियो है जो लाइव ना भी हो उसमें भी आप क्विजेस खेल सकते हो, कितना मजा, और लीडरबोर्ड्स में आ सकते हो। तो यानी कि अगर आपका एक दो क्लास अगर मिस हो जाता है, जो अनलिमिटेड लाइव क्लासेस आपके पास, उसमें से एक दो क्लास आपने मिस आउट कर दिया, तो चिंता नहीं, देखो और क्विजेस पार्टिसिपेट करो, लीडरबोर्ड करो, जितनी बार देखोगे उतनी बार क्विजेस पार्टिसिपेट करो और मजे करते रहो। That's a very important thing I love about the platform. And then obviously you have the concept of downloading all the notes of the session, marks wise, topic wise, and also along with the handwritten notes of the teachers. So yani ki jo bhi main session mein likhta hu uske sath download kar lo yaar. क्या ही है, क्या ही चाहिए। और अब एक और चीज चाहिए आपको, दैट इज इन क्लास डाउट सॉल्विंग। बहुत बच्चों के डाउट्स होते हैं जो क्लास में के अंदर ही हम सॉल्व कर देते हैं, कोई बाहर जाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हमारे पास होता है दो टीचर्स, एक मास्टर टीचर, एक क्लास टीचर। मास्टर टीचर्स कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं, डाउट्स भी क्लियर करते हैं, और क्लास टीचर्स जो डेडिकेटेडली बच्चों के डाउट्स क्लियर करते हैं ताकि आपको पर्सनलाइज अटेंशन मिलता रहे। और हर एक सेशन और हर एक टॉपिक के बाद, हर एक चैप्टर के बाद आपको असाइनमेंट्स, क्वालिटी असाइनमेंट्स एंड टेस्ट दिए जाते हैं, विच आर फ्रॉम द डिस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक, विच आर फ्रॉम द प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चंस, विच आर स्पेसिफिकली फ्रॉम रेफरेंस बुक्स चूजन टू गिव you the best of the knowledge and the practice. Amazing. And here at Vedantu, jaisa maine hamesha kaha aapko, we always believe in giving as much as we can. That is more than 5000 plus micro courses is absolutely free for you. Yani ke 10th mein abhi 9th ka mirror ka concept revise karna hai, kyunki mirror aur lenses ke concept bahut similar hain, to mirror padhna hai aapko, jao padh lo, wo uska ek micro course bana hua hai. To yani ke कोई भी एक चैप्टर, कोई भी एक सब्जेक्ट का, कोई भी ग्रेड का, हमने हर एक चैप्टर का वीडियो मॉडल बना के रखा हुआ है, जहां पे आप जा सकते हो, क्विजेस खेल सकते हो, वीडियोस देख सकते हो, और जब चाहे रिवाइज कर सकते हो। दिस वर्क्स आर स्पेशली फॉर दी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, केवीपीवाई हो जाए, एनटीएससी हो जाए, ओलंपियाड हो जाए, सबका कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपरेशन जो है, सिर्फ 10th ग्रेड का नहीं, 11th ग्रेड का नहीं, कंबाइंड सेशन का आता है 6 टू 10th ग्रेड, 11th एंड 12th ग्रेड, वो सब आप प्रैक्टिस कर सकते हो। 10th में और 12th का पढ़ना है, पढ़ लो, बना हुआ माइक्रो कोर्स, कोई नहीं रोक रहा आपको। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, ये सारे के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का जो क्रैश कोर्सेस है वो भी आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री है। और ये सारी की सारी चीजें, वी ट्रूली बिलीव इन कि लेस इज मोर, जितना ज्यादा क्लासेस लेना है आपको लो, आपका प्राइस कम होते जाएगा। तो प्रूव करने के लिए दोबारा जाना है आपको डिस्क्रिप्शन पे, वो लिंक है वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन का, लिंक पे जाओ, पिन कमेंट पे जाओ, पिन कमेंट पे जैसे चले जाओगे और जैसे लिंक खोल दोगे, आपके सामने आ जाएगा एक सिंपल सा चीज, जहां पे आपको वेबसाइट दिखेगी और आपको अपना ग्रेड पूछा जाएगा, अपना ग्रेड चूज करो, अपना बोर्ड चूज करो और वेबसाइट खोल जाएगी। जो भी मैंने आपको यहाँ पे समझाया वो वहां पे डिटेल में लिखा होगा, गो अहेड एंड चिल आउट, और पूरा देखने के बाद जब मजा आ जाए, आई एम प्रीटी श्योर मजा आ जाएगा, मजा आने के बाद क्लिक ऑन द गेट सब्सक्रिप्शन बटन, और जैसे गेट सब्सक्रिप्शन बटन में क्लिक करोगे आपके सामने आ जाएगी ये, ठीक है। यहाँ पे तीन टाइप्स का मॉडल है सब्सक्रिप्शन का, एक महीने का, तीन महीने का, छह महीने का। एक महीने का, और आपको अभी यहाँ पे प्राइसेस थोड़े कम दिख रहे होंगे इस वेबसाइट के, क्यों, क्योंकि आप अप्लाई कर सकते हो मेरा कूपन कोड विच इज AK Pro मेरा कूपन कोड है बच्चों, ठीक है, AK Pro मेरा कूपन कोड है। आपको शायद कूपन कोड लगाने का जगह नहीं मिल रहा होगा क्योंकि आपने लॉगिन नहीं किया वेबसाइट पे, तो लॉगिन कर देना वेबसाइट पे, जैसे लॉगिन करोगे वेबसाइट पे मेरा कूपन कोड मिल जाएगा आपको, AK Pro डाल देना वहां पे। और जो 2700 का कोर्स है एक महीने का, वो 2160 में मिलता है, 3 months का 7000 के बदले 5600 पे, और 6 months का 11500 के बदले 9200 में। हाँ, पैसे और कम हो गए हैं, यस, वी आर ट्राइंग टू डू आवर बेस्ट टू गिव यू द चीपेस्ट एजुकेशन पॉसिबल। अभी बात है कि सर ज्यादा क्लासेस कम पैसे कैसे, सिंपल सी बात, अगर मान लेते हैं हम कि भाई आप एक दिन में 8 क्लासेस लेते हो, अनलिमिटेड आपके पास, आप ले रहे हो 8 एवरेज, हमारे यहाँ बच्चे यू नो 5 क्लासेस से 15 क्लासेस लेते हो, तो एवरेज मान लेते हैं 8 या 10, 8 ले लेते हो यहाँ, ठीक है, 8 क्लासेस लेते हो। अगर 8 क्लासेस ले रहे हो 6 सब्जेक्ट के लिए, आप आईसीएसई वाले, चलो मान लेते हैं दिन में आप 10 क्लासेस लेते हो, कितने 10 क्लासेस लेते हो, ठीक है, 10 क्लासेस एक दिन में ले रहे हो, तो 6 दिन जो आप पढ़ रहे हो एक हफ्ते में, दैट्स इक्वल टू 60 क्लासेस, 60 क्लासेस
There are 4 weeks in a month. 16 into 4. 240 classes. एक महीने में 240 क्लास ले रहे हो? अगर एक महीने में 240 क्लास ले रहे हो आप, तीन महीने में कितने लोगे? तीन महीने में आप 720 क्लासेस लोगे. छह महीने में 1440 क्लासेस. जब इन सारे क्लासेस को इन पर्टिकुलर पैसों से डिवाइड करोगे, आपका जो टोटल कॉस्ट है वो कितना आ जाएगा? वो ऑलरेडी ये तो 11 रुपए मैंने 9 रुपए 8 रुपए लिखे, वो एक्चुअली हो जाएगा 9 रुपए मे बी 8 रुपए और 7 रुपए, शायद उससे भी कम हो जाएगा. करेक्ट. सो यू आर ट्राइंग, यू आर अचीविंग पर क्लास कॉस्ट ऑफ यू नो क्वालिटी एजुकेशन बाय द बेस्ट टीचर्स ऑफ द कंट्री एट प्राइस पॉइंट ऑफ पर क्लास ऑफ 8 रुपीज, 7 रुपीज, 9 रुपीज, विच इज डेफिनेटली लेसर देन योर लेस पैकेट. हाउ अमेजिंग इज दैट? थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट इट. I mean, you think about it, I'm pretty sure you will realize ki maza. Just go to the link in the description or on the pinned comment. Coupon code is AKPRO. Theek hai bachcho? Before I show you guys the final leaderboards, main aapko dikha deta hu hamare aaj ka homework. Iska jawab aapko dena hai comment section mein. Iska jawab aapko dena hai comments mein. Homework ka answer number 1, doubts bata dena bhai ek baar bilkul zarur. Theek hai, wo doubts hoga aaj ke session se. To number 3, did you love the session? बताना जरूर. ठीक है, बताना जरूर. चलो अभी नहीं देना है आंसर, अभी नहीं देना है, कमेंट में देना है. स्क्रीन पे आना है ना तो कमेंट में देना है. ठीक है, नेक्स्ट सेशन में हम करने वाले हैं साइन कन्वेंशन लेंस फॉर्मूला, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट. देखो अभी ध्यान से, इसके बाद ये आएगा आईसीसी 10 बोर्ड प्रॉब्लम्स ऑन लेंस फॉर्मूला, आईसीसी 10 बोर्ड प्रॉब्लम्स ऑन मैग्निफिकेशन ऑफ लेंसेस, पावर एंड एप्लीकेशन ऑफ लेंस, ये सारी चीजें इसके बाद आने वाली है. तो तीन सेशन लगातार आईसीसी 10 बोर्ड के क्वेश्चंस, बहुत मजा आने वाला है. ये नया चीज है, मैंने इंक्लूड किया हुआ है आईसीसी में भी सीबीएसई में भी. ठीक है, जरूर देखना. तो बच्चों चलो चलते हैं हमारे मेंटी पे और लीडर बोर्ड देखते हैं, आखिरी लीडर बोर्ड. और बच्चों 800 लाइक्स, 80 लाइक्स हो चुके हैं, लेट्स हिट 120 लाइक्स मोर टू क्रॉस द टारगेट, दैट इज 1000, एंड लेट्स सी हू इज ऑन द टॉप. लुक्स लाइक राघव इज विनिंग. ओहो राघव दोबारा भाई मचा दिया. अभिजीत हाई फाइव बेटा, ग्रेट 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 ग्रेट, ऑसम. तो राघव कंग्रेचुलेशन. समायरा ऑन दी सेकंड, मोंटाना ऑन दी थर्ड, प्रियांश जी बहुत अच्छी कोशिश ऑन दी फोर्थ, दिव्या जी ऑन दी फिफ्थ, आई थिंक इट्स रितेश ऑन दी सिक्स्थ, क्रिश शाह जी फ्रॉम क्लास 9 आईसीएसई, हाई फाइव टू बेटा. सुनैना फ्रॉम नॉट रॉन्ग, सुनैना ऑन दी एट, सानवी जी 9th, रशीद जी ऑन दी 10th. Fantastic people. Let's take a picture of Raghav. Raghav, I think Raghav का picture में तीसरी बार ले रहा हूँ. तो Raghav जी बहुत बढ़िया, superbly cool you are, superbly cool. So, salute to you. और जैसा मैंने आपको हमेशा कहा है कि फर्क नहीं पड़ता आप लीडर बोर्ड में हो कि नहीं, फर्क किससे पड़ता है? फर्क उससे पड़ता है कि भाई आपने अपना बेस्ट एफर्ट दिया कि नहीं, इस बात से फर्क पड़ता है ना, याद रखना हमेशा. Yes, 1000 likes, जल्दी से. Thank you so much. Big high five to everyone. Big high five to everyone. Thank you so much for making my day amazing. Because when I start so early at 12 o'clock, you know, taking sessions, it makes my day. अब इसके आगे मेरे पास और 5 sessions हैं, लेकिन भाई मजा जरूर आएगा. मेरे को पता है ना? मचाते रहते. ठीक है? चलो बहुत बढ़िया. तो बस एंड करते हैं बल्ले बल्ले से. और 980 likes हो गए. 1000. अंजी बहुत बढ़िया. चलो बहुत बढ़िया. ग्रेट. तो मैं एक चीज रिवील करने वाला हूं अभी. क्लोजअप एपिसोड कल आएगा, है ना? कंबाइन सेशन की बात हुई थी, कंबाइन सेशन अगले हफ्ते हो रही है. क्लोजअप का जो एपिसोड है वो होने वाला है इस बार. एनी गेसेस किसके साथ हो रहा है? एनी गेसेस पीपल किसके साथ हो रहा है? जल्दी बताओ, जल्दी एनी गेसेस. हा पता है, अरे क्या बात है, क्या बात है. ये एक्चुअली आईसीसी बच्चों के लिए ज्यादा यू नो मायने रखता है मेरे ख्याल से. अब तो शायद सबके लिए रखता होगा, क्योंकि पिछले साल हमारे पास आईसीसी की सिर्फ एक ही टीचर थी बायोलॉजी की, और वो थी हमारी अंबिका मैम, है ना? तो अगला जो क्लोजअप है वो होने वाला है अंबिका मैम के साथ, और हमने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर लिया, और रिकॉर्डिंग के बाद मुझे बहुत मजा आया था. बट आई क्लियरली एंजॉयड इट, क्योंकि एक छोटी सी बात ये है कि आप लोगों को पता नहीं कि अंबिका मैम इज वन ऑफ द पर्सन हु कंटिन्यूसली रोस्ट मी एवरी सिंगल टाइम, which you don't know, it's hidden. और आपको उस सेशन में दिखेगा मेरा रोस्टिंग होते हुए, दिखेगा जरूर आपको. ठीक है, तो be there, do not miss it out. और आपको पता है कि अंबिका मैम अभी वेदांतो क्लास 9th एंड 10th चैनल इंग्लिश में ले रही हैं, बायोलॉजी फॉर सीबीएसई 10, सीबीएसई 9, आईसीएसई 10, तीनों के लिए. तो एंजॉय करते रहो. ठीक है, चलो फिर
अमृतसर तुम्हारे पास है ही यहाँ पे, ठीक है? ओके एंड वी हैव क्रॉस 1000 लाइक्स, थैंक यू सो मच पीपल, रियली मींस अ लॉट. वी विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट सेशन. अंटिल देन दिस इज अभिषेक साइनिंग ऑफ. एंजॉय योर लाइफ, डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन जो भी हमने आपको बताया. डिस्क्रिप्शन में लिंक है वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन का, डू नॉट मिस इट आउट. पैसे अभी बहुत कम पड़ रहे हैं, ले लो, पेरेंट्स का मुझे वो निकलवा दो. तब तक के और टिल वी मीट द नेक्स्ट टाइम, पीस.